मैं डॉक्टर संजीव रंजन, आज मैं आपको सफ़ेद दाग अर्थात लिपोडर्मा के बारे में जानकारी दूंगा। हमारे समाज में ढेर सारे लोग इस रोग को नासमझी के कारण कॉम्प्लिकेटेड अर्थात जटिल बना दिए हैं। जैसे कुछ लोग सफ़ेद दाग को जल्द हटाने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करने लगते हैं, कोई लेप चढ़ाने की सलाह देते हैं तो कोई गंधक मिश्रित दवा लगाने की सलाह देते हैं। इस तरह उल्टी सी दवा लगाकर अंत में दाग को इतना रफ बना देते हैं, यानी रूखा, हल्का काला और भद्दा कर लेता है। फिर किसी भी चिकित्सक से ठीक होना मुश्किल ही नहीं, असंभव हो जाता है। जब तक रोगी लेप चढ़ाकर एक दाग ठीक करने की कोशिश करता है, तब तक शरीर के अन्य हिस्सों में एक दूसरा दाग निकल जाता है। इस तरह धीरे धीरे पूरे शरीर में दाग फैलने लगता है। अंत में इधर उधर भटकते भटकते रोगी हार मानकर बैठ जाता है। तो एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा, सोच समझकर सही चिकित्सक का चुनाव करें और सही इलाज कराएं। आप अवश्य ही पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। इस सफ़ेद दाग के होने पर सबसे ज़्यादा लड़कियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसी लड़की को सफ़ेद दाग होने पर उनके माँ बाप को सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इतना अधिक अधीर हो जाते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि कहाँ जाएं और किस चिकित्सक से मिलें। बस जो जहाँ बता दिया वही आँख मूंद कर इलाज कराने लगे। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि जब भी लिपोडर्मा का इलाज कराने निकलें तो बहुत सोच समझकर उस चिकित्सक के बारे में पता करके पहले पूरी तरह से संतुष्ट हो लें, तभी कोई उचित निर्णय लें कि क्या करना है और किस चिकित्सक से इलाज कराना है। अगर आपको हमसे इलाज कराना है तो मैं भी आपके अपने बारे में आपसे यही कहूँगा कि पहले आप मेरे बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल करके संतुष्ट हो लें, फिर कोई निर्णय लें। हमने आज आपको सफ़ेद दाग के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी और निर्देश देने की कोशिश की है। अगर आपको हमसे इलाज कराना है तो मात्र 2 महीने में हमारे द्वारा तैयार किए गए होम्योपैथिक दवा से निश्चय फायदा होने लगता है। तो अब हमें इजाज़त दें। अगर आपको इस रोग के बारे में हमसे बात करनी हो तो इलाज शुरू करने से पहले आप अपनी सारी शंकाएँ दूर कर सकते हैं। मेरे क्लिनिक का पता और मोबाइल नंबर नीचे स्क्रीन पर दिया हुआ है। अब हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।